आमदीद इबादत रमज़ान में। और अभी क्या है, किचन है और ये है शेफ शाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे रोजे चल रहे हैं? बहुत अच्छे। और बहुत कुछ बनाने लगी हैं आप? जी, आज दही बड़े बन रहे हैं और बॉक्स पेटीज। बिल्कुल। और शाकरा का बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर स्किल्सटन, क्योंकि इनका इंस्टीट्यूट के थ्रू ये तमाम लोग आते हैं और बहुत प्रोफेशनली है, जो बेहतरीन कुकिंग करना जानते हैं। एंड थैंक्स फॉर मारूफ मसाले एंड उनकी मीठा मीठी चीज़ें, खीर, कस्टर्ड। और अभी तो वैसे ही रमज़ान है, तो लोग कहते हैं किस तरह टाइम बचे। क्या कहते हो शाकरा जी? कहते शॉर्ट फॉर्म में कुछ हो जाए, इंस्टेंट काम हो जाए जल्दी से जल्दी से। तो जिन्होंने खाने हैं मारूफ मसाले और जिन्होंने खाने मारूफ की मीठी मीठी खीर, तो वो फौरन खरीदें और घर में जाके क्विकली बनाएं। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। आज बन क्या रहा है ये बताइए। आज दही बड़े बन रहे हैं, माश की दाल के दही बड़े बना रहे हैं। ओह माय गॉड, ये मेहनत तलब काम लड़की तुम कर रही हो। नहीं, मेहनत तलब काम मैंने कर लिया कर लिया। अच्छा, इसके अलावा क्या डिश और क्या? आज बॉक्स पेटीज भी बन रहे हैं, वो हम बाद में बनाएंगे। बॉक्स पेटीज, ये यूनिक, क्या बात है। चलिए जी, हम लोग इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से डालेंगे? इसमें मैंने आधा पाव माश की दाल लेके मैंने 3-4 घंटे के लिए सोक कर दी थी, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये थिक पेस्ट है, अच्छा पतला नहीं होना चाहिए। मेरे जहन में पता क्या चल रहा था, वो जो हम लोग शामी कबाब ना, तो उबालना बहुत नहीं नहीं, ये तो बहुत कच्ची है, ये मतलब सोक की हुई है और इसको हमने पीस लिया। ये पीस लिया, ये माश की दाल है। ओके, फिर इसके बाद इसमें हम ये सॉल्ट डालेंगे, 1 टीस्पून। कभी मैंने खाई नहीं है कभी माश की दाल के दही बड़े। हम लोग नॉर्मल दही बड़े जो होते हैं वो बेसन के खाते हैं। अच्छा, आप खा के देखिएगा आज मजे के होते हैं इंशाल्लाह रोजे में। और एक पिंच मैं इसमें सोडा डालूंगी बस। ओके गुड, इसको मिक्स करेंगे और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे इसे। अच्छा, बिल्कुल लाइट। हाँ ओके, डीप फ्राई नहीं होते, ये शैलो फ्राई होते। ओके जी नाज़रीन, आप इस वक्त शेफ शाकरा मौजूद है फ्रॉम स्किल्सटन और आज ये बन रहे हैं माश की दाल के दही बड़े। ओके, और अच्छा ये दही जो है वो भी जी, ये दही बाद में इसमें दही बड़े डाले जाएंगे, ये भी फेंटा हुआ है? नहीं, अभी फिटेगा, ये चीनी डलेगी। तो हमसे क्यों नहीं काम ले रही हो, यानी कि मुझे कम दे रहे हैं इन्होंने ना। अच्छा रोजे में ना, मैं आपको नाजिर, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हो और प्लीज रमीज भाई कॉल जरूर लीजिएगा, अगर कॉल आए तो ऑफ कोर्स आप हमारी गुफ्तगु में कॉल काट लेते हैं, ये ज्यादती है। और मैं चाहती हूँ बिस्मिल्लाह, ये क्या डाल रहा है? ये कैसर शुगर, मैंने चीनी पीस के रखी थी, इसको 4 टेबल स्पून डालूंगी, क्योंकि मैं ऐसे हमें जी याद है यार, हम लोग अपने घरों में होते हैं खवातीन 4 बजे किचन में, एज यूजुअल 4 बजे मेरी ट्रांसमिशन है। मैं सोच रही हूँ मेरी खवातीन कैसे देख रही होंगी, अल्लाह खैर करे। भाई आप अपने ना ऐसे, मैं तो ऐसे करती थी यूँ किचन और सामने कहीं ना कहीं टेलीविजन लगा लिया, साथ साथ कुकिंग, साथ साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें चल रही होती हैं, रमजान की फजीलत। ये क्या? ये मायनीज है, ये 2 टेबल स्पून मायनीज है, इससे क्रीमी टेक्सचर आएगा दही में। रियली जबरदस्त। ये देखिए जी नाजी, मैं इस वक्त अपनी बहन की हेल्प कर रही हूँ और आप भी अपने घर में अपनी वालदा की, अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे, और देखिए जी ये डल रहे हैं इसके अंदर। हेलो जी, अपनी वालदा की जो आपके अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, उनके साथ काम करवाएं, अपनी बड़ी बहनों का हेल्प करवाएं, अपनी छोटी बहनों के साथ हेल्प करवाएं। मैं तो बड़ी लकी थी कि मेरे घर में तो सभी बड़े थे, तो मेरी बारी ना आई ना सहरी बनाने की ना। हाँ बहुत सारा थोड़ा बहुत करती थी रमज़ान में, कभी पकोड़े वगैरह बना लिए, तो भाभियाँ और आई एम लकी बड़ी बहनें, फिर वो चली गई तो भाभियाँ आ गई, तो ये होता है फैमिली में ना। अच्छा जी कितने डल गए? अच्छा बड़े वो हो रहे हैं, फ्लफी फ्लफी हो रहे हैं। ओके जो है तेल ज्यादा गर्म। अच्छा जी इट्स ओके, हम चलते हैं इस वक्त, क्योंकि रमजान की इस वक्त किचन की तैयारी हो रही है। अच्छा ऐसा हो सकता है कि अभी ये भी बन रहा हो और आप दूसरा भी रेडी कर? हाँ, हाँ, कर सकते हैं। तो इसको मैं निकाल लूं पहले, फिर मैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अपने रमजान की बात करें तो हम रमजान की फजीलत और रमजान में हमें क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए, मैं इस वक्त मिलवाती हूँ आपको। ऑफ कोर्स यहाँ पर मौजूद है और बिलाल मौजूद है, और बिलाल जो है रमज़ान की फजीलत के बारे में पूछूंगी। हाफिज़े कुरान है और इस्लामी स्कॉलर हैं बिलाल। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा इतने आराम से बैठे, चले जी खवातीन काम कर रही है तो मैं बिल्कुल आराम से बैठ जाऊँ। कैसे हो आप? ठीक हो? अच्छा जी,
यंगस्ट हैं लेकिन बहुत प्यारी गुफ्तगू करते हैं, और आज भी मैंने इनको मौका दिया, मैंने इनको सॉरी इनवाइट किया, और मैंने ये चाहूंगी कि हम इस मौके से फायदा उठाएं, ये जुमला था मेरा। और बिलाल ये बताओ कि रमजान की फजीलत जो हम बयान करते हैं उसमें ऐसी कौन सी बातें जो अभी भी हमें रोजे के बारे में नहीं मालूम? बहुत जबरदस्त सवाल किया आपने। मैं यूं कहूंगा कि देखें, अगर कोई हमसे ये सवाल कर लेना कि रोजा और रमजान और ये सारी मतलब भूखा रहना, प्यासा रहना, तरावी पढ़ना, अफ्तारी, सहरी, इन पूरे महीने का खुलासा क्या है जी? तो मैं उसको पूरे महीने का खुलासा सिर्फ एक जवाब दूंगा कि वो है सब्र। देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक के अंदर इबादत की, सखावत की, मतलब सारे मामलात को बढ़ा दिया, हर चीज़ को। तो देखें, रमज़ानुल मुबारक के अंदर अभी भी जो कमी है ना, वो एक चीज़ की कमी है, सब्र की। सुबह अगर नमाज से पहले सहरी की दुकान पर, सहरी के वक़्त दही की दुकान पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो हमने रमजान को तो हासिल कर लिया, लेकिन हमने रमजान का फायदा हासिल ना किया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और शाम को अफ्तारी के वक्त फ्रूट की दुकान पर, रेडी पर अगर झगड़ा हो रहा हो, तो हमने रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो हासिल किया, लेकिन इससे फायदा ना उठाया। हाय हाय हाय। अगर रमजानुल मुबारक के अंदर ट्रैफिक में रश हो और हम एक दूसरे से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो हमने रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना तो हासिल कर लिया, लेकिन इस महीने से हम लोगों ने फायदा ना उठाया। माशाल्लाह। देखिए, भूखा रहना, प्यासा रहना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हम भूख बर्दाश्त करें, भूखे रहें, और हम इबादत करें, हम बोलें कम, हम गपशप कम लगाएं, हम लोग घूमें फिरें कम, हम लोग एक जगह बैठ के प्यासे रहकर, भूखे रहकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें। देखें, वो रब कितना करीम है, वो कितना रहीम है, वो क्यों चाहेगा कि मेरा बंदा भूखा रहे, मेरा बंदा प्यासा रहे, वो क्यों चाहेगा? लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हमसे आजमाइश भी इसीलिए ली ताकि मेरा बंदा एक जगह बैठ के वो मेरी इबादत करे और उसके मैं दराजात को बुलंद कर दूं। देखिए, हर चीज का मकसद वो ये होता है कि बंदे के दराजात बुलंद हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रमजानुल मुबारक के सही से फवायद हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह बिलाल, बहुत प्यारा अंदाज और बहुत प्यारे अंदाज में आपने हमें आगाह किया। यही सब चीजें होती हैं जो शायद हम इन चीज़ों से महरूम हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं अभी करूँगी और बिलाल इसके बारे में बताएगा। बिलाल, आपने देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान करीम आता है लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। आप इनके बारे में क्या कहोगे? ये कौन से लोग हैं जो ज़खीरांदोज़ी करते हैं, चीज़ों को पहले रख लेते हैं फिर महंगे दामों बेचते हैं? इन लोगों के लिए क्या अज़ाब अल्लाह ने मुकर्रर किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है, التاجر صدوق الامین والانبیاء والصالحین والشہداء। حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے صحیح سے تجارت کی, جس نے صحیح سے کاروبار کیا, تو وہ قیامت کے دن وہ انبیاء کرام, اولیاء کرام, صالحین, شہداء, ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دیکھیں کتنا بلند مرتبہ ہے کہ جہاں انبیاء کرام اٹھائے جائیں گے, اولیاء کرام اٹھائے جائیں گے, صلحاء اٹھائے جائیں گے, تو قیامت کے دن وہ جو تاجر تھا جس نے صحیح سے تجارت کی, صحیح سے کاروبار کیا, وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور دیکھیں کہ قیامت کے دن وہ جو بندہ ہے نا, بندہ وہ حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہے, مطلب وہ اللہ کو تو راضی کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے, لیکن یہ جو عمل کر رہا ہے نا, وہ یہ عمل کر کے اللہ رب العزت کو ناراض کر رہا ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے۔ جب اللہ کے بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العزت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کو راضی کرنا پڑے گا, اللہ کو راضی کرنا ہے تو حقوق العباد پورے کرنے پڑیں گے۔ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہم تراویح پڑھ رہے ہیں, سحر و افطاری کر رہے ہیں, تو یہ ہماری کسی فائدے کے لیے نہیں ہے جب تک ہم حقوق العباد پورے نہیں کریں گے, جب تک ہم اللہ کے بندوں کو راضی نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے بندوں کو ناراض کریں گے, ہم اللہ کے بندوں کو تکلیف دیں گے, ہم چیزیں مہنگی کریں گے, ہم لوگوں کے ساتھ غلط اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے, تو اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہ روزے رکھنا, ہماری یہ عبادت, یہ کسی فائدے کی نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے جب تک ہمارے حقوق العباد مکمل نہیں ہے۔ بہت پیاری بات بلال, بہت ہی پیارا انداز کہ واقعی میں ہم لوگ, لیکن ہم لوگ, میں نے دیکھا ہر رمضان میں چیزیں اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے کہ ان غریب جو بیچارے متوسط طبقے سے لوگ ہوتے ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے,
वो डर जाते हैं कि अभी यार ये चीज अब जैसे केले अगर 50 रुपए दर्जन है, वो 150 रुपए दर्जन होंगे, वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे? ऐसा ही है, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही। और मैं एक और सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह आपने तो शुरू में माशाल्लाह बताया कि रोजी की हालत में हम थोड़ी थोड़ी बातों में उलझ जाते हैं, लड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं खानदान में बहुत नाराज होते हैं, असल में रोजा हमें बहुत कुछ सिखाता है ना, ऐसे ही है, तो हम बहुत सारे लोगों से नाराज होते हैं, तो क्या हमारी ये बातें कबूल हो जाएंगी कि हम नाराजगी में हम इबादत करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिये, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना, वो मोहब्बत फरमाता है अपने बंदे से। जब अल्लाह को राजी करना है तो अल्लाह के बंदों को राजी करना है। जब अल्लाह के बंदे हमसे राजी हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमसे राजी हो जाएगा। और बात यह है कि हमने खानदान में अगर किसी को नाराज किया हुआ, तो इस महीने उस इंसान की बख्शिश भी नहीं है जो इंसान रिश्ते तोड़ता है, और जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी इस महीने बख्शिश नहीं है। और हमें चाहिए कि हमने अगर किसी को नाराज किया तो हम जाके उससे माफी मांगें और हम जाकर उसको राजी करें, क्योंकि इस महीने अगर हमने किसी का कुछ नुकसान किया है तो हम अगर इबादत कर रहे हैं तो वह हमारी इबादत काबिल कबूल नहीं है। रोजे का बेसिकली जो मकसद है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब होना है। जो रोजे का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को अब राजी किस तरह करना है? हमने अल्लाह के बंदों को राजी करना है, हमने रिश्तेदारों को राजी करना है, हमने दोस्त अहबाब को राजी करना है। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयदा फातिमा। अच्छा, कहाँ से कॉल किया आपने? हेलो जी जी, आपने की आवाज बहुत कम आ रही है। मैंने कहा आपने कहाँ से कॉल की? यहाँ कराची से बात कर रही हूँ। जी जी जी, फातिमा जी क्या पूछना है आपने? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं प्रोग्राम देखती हूँ, बहुत अच्छे टॉपिक्स पे बात करती हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्या होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के अंदर जो आपको कमी लग रही है? नहीं, कमी तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी आप बात करती हैं, ये बहुत जबरदस्त बात है कि आप इतने अच्छे मतलब लोगों को बुलाती हैं। कल मैंने आपका जो प्रोग्राम देखा था, नाबीना लोगों के हवाले से जो था, बहुत अच्छा था प्रोग्राम आपका। अल्लाह ताला आपके प्रोग्राम को और तरक्की दे। और मैं नाज पढ़ना चाहूंगी अगर आप मुझे मौका दे तो। हाँ हाँ, जरूर जरूर, प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी जी, मैं सुनाऊँ आपको नाज? जी जी बिल्कुल सुनाइए। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ रोज़े पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पढ़ती रहे, पढ़ती रहे। अच्छा है, अच्छा है। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है? मोहम्मद की अजमत को क्या पूछती हो कि वो साहिबे नवा तो सैन तेरे बशर की शरीयत मेहमानवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है? जहाँ रोज़े पाके खैरुल बरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा बहुत प्यारा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जज़ाकअल्लाह। मैम, आपके प्रोग्राम में आना चाहती हूँ, वहाँ पे भी लाइव पढ़ना चाहती हूँ नाज। जरूर जरूर, हमारा स्क्रीन पर नंबर भी तो चल रहा है ना, 03158248704। आप इन पे रब्ता करें और बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हो सकती हैं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। खुश रहिए, सलामत रहिए, इसी तरह
अल्लाह ताला आपको कामयाबियां दे, आपके प्रोग्राम को चार चांद इसी तरह लगाता रहे। बहुत अच्छी आप पढ़ती हैं, बहुत अच्छे टॉपिक्स लेकर आती हैं, बहुत अच्छा आपका अंदाज है गुफ्तगू को, बहुत अच्छा लगा मुझे, सबसे बड़ी बात यह है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, खुश आप लोग भी बहुत खुश रहिए। अच्छा जी, मेरी बहन, ओके, अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी बहन फातिमा हमारे साथ थी और बहुत प्यारा उन्होंने अब कलाम सुनाया और उनका आवाज़ बहुत प्यारा था। और मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। और बिल्कुल इन्होंने जिस तरह नाच सुनाई है, तो मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये बता दूं, और ये स्पेशली ये ना भूल जाएं कि 10 तारीख यानी कि 10वें रोज़े, क्योंकि ये पहला अशरा है और हमने 10वें रोज़े पे एक पूरा एहतमाम किया है नातिया कॉम्पिटिशन का, मुकाबला है नातिया मुकाबला, जिसमें एज है 8 से 12 साल के बच्चों की। तो आप लोग जो है आना चाहें तो नंबर है 03-15-82-48-704। वो बच्चे जो नातिया मुकाबला के हिस्सा बनना चाहते हैं वो फौरन रब्ता करें, और हमारे इबादत रमज़ान ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन विनस टीवी का हिस्सा बन जाए। तो ये आप इबादत रमज़ान में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोगों ने 03-15-82-48-704 पर रब्ता करना है। और 20वें रमज़ान में डिबेट कंपटीशन होगी, वो भी आपको मैं एज बता दूं 10 से 15 साल के बच्चों के दरमियान जो होगा तकरीरी मुकाबला होगा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग अभी से रब्ता कर लें ताकि हम आपको फिर अपने इस खूबसूरत ट्रांसमिशन, स्पेशल ट्रांसमिशन इबादत रमज़ान में बुला सके। चलते हैं हम बिलाल की तरफ। बिलाल, हर किसी का शौक होता है नबी का जिक्र करना, मदीना जाना, मदीने की गलियों में घूमना, गुम्बद खिजरा को देखना, और मैं कहती हूँ वो बहुत खुशकिस्मत हैं और अल्लाह पाक उनके सजदों को कबूल करे जो इस माह रमज़ान मुबारक में वहाँ गए हैं। खुदा की कसम, मेरे रब ने उनको मुंतखब किया है, वो आज इस वक्त काबे की गलियों में, मदीने की गलियों में घूम रहे होंगे और ज़िक्र कर रहे होंगे और अल्लाह पाक के घर में सजदा कर रहे होंगे। वो बहुत ही ख़ास लोग हैं इस वक्त, और मैं कहूँगी उनके सजदों के सदक़े में, उनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान पर रहम करे, और हमारे पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त मसले मसाइल हैं मेरा रब अपने करम से वो हल कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो मुफलिस हैं अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा उनको नवाजे, अपनी रहमतें बरकतों के दरवाज़े उनके लिए इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े में उनके लिए ये दरवाज़े खोल दें। और हम कहते हैं कि रमज़ान में, बिलाल की बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं सब पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो लोग रमज़ान के महीने में मर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, उनके लिए दोज़ख के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, क्या फिर उसके बाद हमें हमारी जो गलतियाँ कि उनकी बाद में हमसे सवाल गोई की जाएगी कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही कीमती सवाल किया आपने। देखिए, जो लोग हदीस पाक में आता है कि जो लोग शब जुम्मा जिनका इंतकाल होता है तो उनसे सवाल नहीं किया जाते। जी ठीक, एक हदीस में मैंने ये भी पढ़ा कि पीर वाले दिन जिनका इंतकाल होता है तो उनकी भी बख्शिश कर दी जाती है बग़ैर सवाल जवाब के। और रमज़ानुल मुबारक बाअज़मत महीना है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें छमाछम बरस रही हैं, अल्लाह पाक अपने बंदों को बख्श रहा है, तो जिन का इस महीने इंतकाल होता है तो उनसे भी कोई सवालात नहीं किए जाते, ये हदीस से साबित है। और दूसरी बात ये है कि सवालात होंगे लेकिन उन लोगों से सवालात होंगे जिन्होंने लोगों का दिल दुखाया। यहाँ पर वही बात है हकूकुल इबाद की, अगर किसी ने किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा किया तो उसका उससे हिसाब होगा, अगर किसी ने किसी का कर्ज खाया तो उसका भी उससे हिसाब होगा। मतलब जो हकूकुल्ला है वो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देगा इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े से। अगर किसी ने किसी से रिश्ता तोड़ा, ख़ानदान में या दोस्तों से किसी से रिश्ता तोड़ा, तो उसका भी उसके साथ हिसाब किया जाएगा। लेकिन जो सगीरा गुनाह है वो तो सारे माफ़ हो जाएंगे, लेकिन अगर
यही बात मैं दोबारा कहना चाहूंगा, किसी की जमीन पर कब्जा किया, किसी का हक मार लिया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ तल कलामी की, तो उसका हिसाब होगा उससे। सिर्फ हकूकुल्लाह अल्लाह पाक उसे माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत है, इस महीने चमाचम बरस रही होती है। अल्लाह पाक नमाजें छोड़ दी, अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। हज नहीं किया, अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। मतलब कुछ नहीं किया उसने सारी जिंदगी, कोई नेकी नहीं किया, अल्लाह पाक माफ फरमा देगा। लेकिन अगर उसने कोई किसी का दिल दुखाया तो उसका उसको हिसाब देना पड़ेगा। अगर किसी की जमीन लूट ली, किसी बहन का हक खाया, किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ बदतमीजी की, तो उसका उसको हिसाब लाजमी देना होगा। और अगर उसकी ये आदत है कि वो किसी के साथ रिश्ते तोड़ता है, तो उसका भी उसको हिसाब देना होगा। और कबीरा गुनाह ये, इसके भी उसको हिसाब देना होगा कब्र में। सवालात होंगे, लेकिन इन चीजों के सवालात होंगे, हकूकुल्लाह के सवालात नहीं होंगे। जज़ाकअल्लाह। क्या बात है बिलाल, माशाल्लाह इतने अच्छे अंदाज में आप बयान करते हैं कि बिल्कुल सादा अंदाज है। और कभी कभी मुझे लगता है मैं भी बड़े सादे अंदाज में गुफ्तगू करती हूँ तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और आपका भी बताने का अंदाज बहुत अच्छा है, और अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे, जो अच्छी बात आगे पहुँचाता है वो भी सत्य जा रहा है। और शाकरा मौजूद है, दही बल्ले देख लें, और अभी रोजी की हालत में आप लोग देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, और अगर आपके घर वालों ने ये देखा और बोले ये आप ऐसे नहीं बनाते तो उनसे नाराज ना होइएगा, क्योंकि ये इस वक्त ऑफ कोर्स एक प्रेजेंटेशन है और ये रेडी हो गए। अच्छा ये क्या आपने इसमें पहले पानी में भिगोई थी? हाँ, वो मैंने पानी में भिगोई, ठीक है, और उसको स्क्वीज किया सारा एक्सेस वाटर में, ठीक है ठीक है। ट्रे में अरेंज किया आपने जो दही, वो सब आ रहा था पिक्चर में, वो मैंने ऊपर से इसके डाल दिया। और ये क्या डाला, क्रीम? ये नहीं, ये वो है इमली और आलू बुखारा चटनी है ये दही बड़ों के साथ बहुत अच्छी लगती है। रोजे में देखो ये, इट्स ओके। हाँ ठीक है, इमली और आलू बुखारे की चटनी है। ओके ओके, ये हो गया एक डिश, वन डिश हो गई कंप्लीट। सेकंड क्या है चंदा? अच्छा ये इस साइड आ जाओ ताकि ना मतलब ये नजर आए। हाँ आप बताइए क्या हो रहा है। अब हम बॉक्स बेरीज बना रहे हैं, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे? ये मैंने व्हाइट सॉस पहले से बना ली थी, इसमें क्या क्या डाला? हाँ मैंने 2 टेबल स्पून बटर लेकर उसमें 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल के सौते किया हल्का सा। बटर के अंदर मैदा डाला है 2 टेबल स्पून। ओके, मैदा और मक्खन, हाँ दोनों को मिक्स किया, दोनों को हल्का सा मैंने सौते किया, भूना जाए, कचान खत्म हो जाए, कचान खत्म हो जाए ना बेसन की। ओ उसकी मैं एक कॉल है, बात कर ले शाकरम जी, जा सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी प्यारी बहन है, कौन है? हेलो, हाय हाय गुड़िया गुड़िया, कोई वालेकुम अस्सलाम। ओए मैं शत के, मेरा प्यारा बच्चा कहाँ है, कौन है भाई मेरे साथ, कौन है? मैं आपके उसमें मिलाद मनाना चाहती हूँ, नाते सुना दो जल्दी से सुना दो। नहीं टेलीविजन देखोगी तो मैं लाइन ड्रॉप कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मुझसे बात करें, मुझसे बात करें शहजादी। हेलो हेलो बेटा, मुझसे बात करो, टेलीविजन नहीं देखो ना फिर मैं बंद कर दूंगी फोन। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। क्या कह रही है? हेलो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, अब सुना दे जो सुनाना है जल्दी से। बच्चे भी मुझे पसंद करते हैं। मैं मदीने चला, रमीज भाई ने उसको मदीना भेज दिया, आवाज बंद हो गई। करम हो गया, और करम हो गया, मैं मदीने चला। मैं सदके जाऊ, बस ठीक है, ओके, बहुत अच्छा मेरा सोना। आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही ना, तो मेरा दिल खफा सा हो रहा है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम आपको दोबारा, मैं आना चाहती हूँ आपके शो में। रोजा रख लो ना, कितने साल की हो आप, कितने साल की हो शहजादी? 10 साल की, ठीक है। कहाँ से कॉल की आपने, कौन सी जगह? कराची से, इस्लामाबाद से, कहाँ से कॉल की? कराची से। ठीक है, बस आ जाना रोजा, इनका नंबर ले लो भाई, और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, नोट डाउन करें और आ जाए। ठीक है गुड़िया, ओके लाफेस। चले जी शाकरा, ये बताएं इसमें बटर और मैदा डाल के हमने थोड़ा सा भूना उसको, और इसमें 1.5 कप मिल्क डाला है मैंने, सॉल्ट डाली है, ब्लैक पेपर डाला है, और ये थिक सा मिक्सचर हो गया। इसमें मैंने फिर चीज डाली है 1/2 कप, तो ये चीज हल्दी नहीं हो गया जी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट,
बस ये थिक ग्रेवी सी बन गई हमारी, मिक्सचर सा बन गया। अब इसके अंदर हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अच्छा एक बार इंग्रेडिएंट्स बता दें, आपने बताया हाँ ये है श्रेडेड चिकन है, बॉयल एंड श्रेडेड चिकन है, ठीक है। हमारे पास शिमला मिर्च है, एक है मैंने इसको फाइन चॉप किया है, ओके। गाजर भी हाफ कप है, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया, और थोड़ी सी हरी प्याज है, ओके डन इट। और इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, और ये हॉट सॉस है, ये हॉट सॉस है, जबरदस्त। चलिए जब इस सब इंग्रेडिएंट्स बस ये सब मिक्स करेंगे हम इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये हमने डाला इस मैटर में। अच्छा हम अगर ये जो जो नीचे आपने स्टफ डालते रहो, ये नीचे जो स्टफ बनाया आपने जो मैटर, अगर ये व्हाइट सॉस बनाइए, अच्छा सॉस बनाइए व्हाइट, उसमें कुछ चीजें कट कम हो जाए तो फिर भी बन सकते हैं ना? नहीं उसमें मैदा दूध और बटर तो लाजमी जरूरी है, चीज आपका ऑप्शन है कि आप डालें नहीं डालें। अरे यार हमारे घर में एक बंदा है ना, उसको मक्खन पसंद नहीं है, अब क्या करूं? आप तेल में भी कर सकते हैं इसको, ओके भून सकते हैं मैदे को तेल में, ठीक ठीक ठीक। मैदे को थोड़ा सा पानी डाल के आप पहले उसको पका लें ताकि उसमें कच्चा पन, नहीं 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 उसको ऑयल में ही हमें भूनना है, हल्का सा, ओके हल्की आंच पे भूनेंगे तो अच्छा उसकी खुशबू। मैं अपनी शेफ बन रही हूँ खुद ही खुद ही। ये कुटी हुई मिर्च है और ये हॉट सॉस है, खूब दिल जलाओ इस वक्त, रोजा खुलवाओ और दिल जलेगा जो जो मिर्च है। जी नाजरीन अब आप देख रहे हैं शेफ शाकरा जो है ये बॉक्स पेटीज बन रहे हैं, बॉक्स क्रीमी बॉक्स पेटीज हैं, चीजी क्रीमी बॉक्स पेटीज, ओके 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 डन। और व्हाट इज दिस? ये मैंने वो पेस्ट बनाया है मैदे का, स्लरी कहते हैं उर्दू में शायद, मैदे की लई कहते हैं। अब आई है ना मेरी वाली बात, मैदे की लई जी ये लई, ओके। अच्छा फ्लेम है, ओके कौन है? नहीं नहीं ये अभी मैं पहले बना लूंगी फिर फ्राई थोड़ी देर में करेंगे, क्योंकि इसमें हमने कोटिंग भी करनी है ब्रेड क्रम्स से अंडे की, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गई। अच्छा जी हम लोग यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, और स्पेशली मैं फिर एक अपील करूंगी, और मैं बार बार अपील करूंगी, हर बार अपील करूंगी, और मेरे मुझसे जितना हो सकेगा मैं जरूर कहूंगी कि अल इब्राहिम आई हॉस्पिटल को आप जरूर डोनेट करें, क्योंकि वो वाकई में बहुत ही मुस्तहिक है। आप ज़कात दें, अतियात दें, सदका दें, खैरात दें, जो आपको समझ में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आप करोड़ों रुपए दें, लेकिन आपके 10,000 से किसी की आंखें रोशन हो जाए ना, इससे बड़ा सदका, इससे बड़ा हक अदा आपने कहीं नहीं किया कि वो तमाम दुनिया को उसी तरह देख सकता है जिस तरह आप देख सकते हैं। तो ज़रूर अल इब्राहिम को आप सपोर्ट करें, उनका कॉन्टेक्ट आप हमें ना दें, आप खुद वहाँ जाएं। अगर आपको ये बैंक पे वैसे सब कुछ तो नंबर चल रहा है, लेकिन फिर भी आप वहाँ जाके विजिट करना चाहें तो मेमन गोट में उनका पूरा एक सेटअप है, अल इब्राहिम बड़ा सा आई हॉस्पिटल है, बहुत सारे जो है ना मुस्तहिकीन जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ अपनी आँखों के ऑपरेशन के लिए जाते हैं। तो मैं कहूँगी कि आप ज़रूर उनको सपोर्ट करें, और उनको ज़रूर अपने ज़कात दें, क्योंकि वो आपके मदद के तलब गा रहे हैं। लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक बाद में होगी, पहले उनका एक स्पेशल पैकेज देखें।